नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं नए नए चयनित नव चयनित समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पोस्ट पर, और ये 19वीं रैंक से इनका चयन हुआ है। आपका नाम है ज्ञानी शुक्ला जी, और ये लखनऊ में बंथरा जो है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र है, सेमी अर्बन इलाका है, वहाँ पर निवास करते हैं। और इनसे हम लोग जानेंगे किस तरह से समीक्षा अधिकारी की तैयारी इन्होंने की, क्या क्या इनके जो है पूरे जो एकेडमिक पड़ाव क्या क्या रहे, किस तरह से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ज्ञानी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो समीक्षा अधिकारी चयन के लिए जो है। और आपके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं पहले बता दूँ जो है, जिससे आप लोग इंटरव्यू को पूरा देखें, क्योंकि थोड़ा सा रोचक इनके साथ कुछ तथ्य जुड़े हुए हैं। आपने बीटेक किया है मैकेनिकल में जो है, उसके बाद आपने 10 साल नौकरी की है और 4 देशों में नौकरी की है अलग अलग। अभी सारा विवरण ज्ञानी जी खुद बताएंगे। और 10 साल तक कोई पढ़ाई नहीं की है, उसके बाद केवल नौकरी की है। कोरोना काल आया, कोरोना काल में आपने जो है पढ़ाई दोबारा शुरू की, कंपटीशन की तैयारी शुरू की, और पहले प्रयास में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा प्री मेंस दोनों निकाला, और आज जो है फाइनल सिलेक्शन लेके आप सभी के सामने बैठे हैं। ये हमारे बैच के इनरोल्ड स्टूडेंट हैं और इन्होंने हमारे बैच से ही तैयारी की। तो ज्ञानेश जी, आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले मैं आप जानना चाहता हूँ कि आपका जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कौन कौन लोग परिवार में आपके हैं? सब परिवार में मेरे मदर हैं, फादर मेरे एग्जाम के पहले एक्सपायर हो गए थे। अच्छा अच्छा, रिसेंट तो जब पहले जल्दी की घटना आई है जी। और मेरे दो भाई हैं, सिस्टर है, मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप सबसे बड़े आप ही हैं क्या? नहीं, नहीं, मैं बीच। अच्छा अच्छा, तो इसके बाद जो है आपका एकेडमिक क्या बैकग्राउंड रहा है, हाई स्कूल इंटर, फिर उसके बाद क्या क्या किया है, आपने थोड़ा सा सिलसिलेवार बताने इसके बारे में। सर, मैंने 2003 में हाई स्कूल की परीक्षा यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण की। अच्छा। उसके बाद 2005 में इंटरमीडिएट, फिर 2005 से 2008 मैंने डिप्लोमा किया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और फिर 2008 से 11 तक मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर से किया, और फिर उसके बाद फिर मैंने मार्च 2020 तक एक एमएनसी कंपनी में नौकरी की, जिसमें कि मैंने लगभग भारत के आधे राज्यों और 4 अन्य देशों में नौकरी करी। अब देशों के नाम भी खुलासा कर दीजिए, कहाँ कहाँ टहलाए हैं आप जो है। सबसे पहले मैं ट्रेनिंग के लिए बेल्जियम गया, क्योंकि ये कंपनी बेल्जियम की थी। अच्छा। उसके बाद मैंने मलेशिया में और इंडोनेशिया में, और आखिरी टाइम पे मैं कजाकिस्तान में 2.5 साल के आसपास मैंने नौकरी करी है। फिर कोरोना का कहर शुरू हो गया। हाँ, फिर मार्च 2020 में मैं वापस आया था कजाकिस्तान से। फिर कुछ मेरा वीजा का इशू था, तो इंडियन को वीजा नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन में काफ़ी कोरोना फैला हुआ था। तो उसके बाद फिर मेरे फादर ने बोला कि मतलब कब तक ऐसे ही घूमते रहोगे, कुछ अभी कहीं नहीं जाना है, तो कम से कम कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया, और फिर मतलब मैंने छोटे एग्ज़ाम को टारगेट किया। फिर मैंने देखा कि कौन से छोटे एग्जाम, जैसे छोटे एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल या इस टाइप के। आपने बताया कि आपका लेखपाल में भी चयन बस। हाँ, रिजल्ट अभी नहीं आया सर, लेकिन उसमें भी पक्का है इलेक्शन। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा फिर मैंने यूट्यूब पे देखते देखते मतलब आपके चैनल पहुंच गया कि सिलेबस, फिर मुझे अंदाज लगे कि सिलेबस सेम है इनका लगभग लगभग जीएस का, और हिंदी में अगर कमांड कर ली जाए तो मतलब ये अच्छा इसमें किया जा सकता है। तो फिर मतलब 2.5 साल लगभग लग गए इस जर्नी में, तो फिर मतलब फाइनली सिलेक्शन हो गया जो है। तो जैसे कि मैं महिलाओं के बारे में, जैसे सिप्रा जी का इंटरव्यू हो चुका है, हमारी स्टूडेंट रही हैं वो, उनके बारे में बताता हूँ कि शादीशुदा होते हुए, बच्चे होते हुए, एक पारिवारिक जीवन में होते हुए उन्होंने सिलेक्शन लिया जो है। तो उसी का एक जो है आपके सामने दूसरा उदाहरण ये भी है कि ज्ञानी जी मैरिड हैं, 2014 में इनकी शादी हुई थी, इनके 2 बच्चे भी हैं, और नौकरी करते हुए तमाम संघर्षों के बावजूद जो है, और आप ये ज़रूर सुन रहे होंगे कि इन्होंने 4 देशों में नौकरी की, लेकिन वो इतनी हाईली पेड नौकरियां इन्होंने नहीं की हैं, कहीं आप अगर इस बात को जो है गलत सोच रहे हो। इन्होंने जैसा कि इन्होंने बताया अभी मुझे जो है कि 6,000 रुपये से जो है नौकरी स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़े
मतलब उसी कंपनी में ही मैंने लगभग हर बार डबल करते करते हर साल में। और एक ऐसी भी पोजीशन आई कि आपकी लास्ट सैलरी क्या रही थी? 3 लाख रुपए का पैकेज था एनुअल। मैंने 3 लाख मंथली 3 लाख मंथली का पैकेज था और उसके बाद ये समीक्षा अधिकारी बन गए। थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में काम था, वहाँ से क्रूड ऑयल निकलता था तो एच2एस गैस निकलती थी। अच्छा अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, तो उस वजह से वहाँ पे मतलब तो मतलब कम लोग जहरीली गैस है वहाँ पर। हाँ, जान तो जाने उस वजह से वहाँ पे मतलब सैलरी अच्छी थी, थोड़ा रिस्क था लेकिन। हाँ, तो रिस्क है तो सैलरी है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इनकी कितनी डाइवर्स जर्नी है जीवन की, कि 6,000 से उसी कंपनी में उन्होंने शुरुआत करके 3 लाख के पैकेज तक ये पहुँचे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीइंग अ फैमिली मैन, आपका सफलता का श्रेय अगर किसी को देते हैं किन, तो किन किन लोगों को देते सफलता हैं? सफलता का श्रेय तो पूरा हमारे पूरी फैमिली को है, क्योंकि जैसे हमारे छोटे छोटे मैन बच्चे हैं तो उनको भी समझाना कि अभी नहीं ले जा सकते कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और वाइफ को है, माता पिता को है, भाइयों को है, क्योंकि हम नहीं जा सकते तो उनसे कह के हमने सारे काम करवाया। और गुरु कोई ना कोई तो आपका रोल निकालेगा करेगा ही जो है। भगवान को सबसे ज्यादा है कि मतलब ईश्वर तो सभी के ऊपर। और फिर आपको भी ऐसा जो है मीन्स का मैंने मेरे एक्चुअल में इसमें समीक्षा अधिकारी में क्या है कि अगर हिंदी पे कमांड नहीं होगा तो नहीं होगा। तो उस वजह से मैंने हिंदी में मेरे इवन कई बार जीएस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे नंबर हैं हिंदी में। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था जो है कि हिंदी में इन्होंने प्रीलिम्स में 55 नंबर और मेंस में भी लगभग 55 नंबर जो है इनको इनके बने हुए हैं। और इन्होंने हिंदी की जो टोटल जो है तैयारी की है वो डिकोड एग्ज़ाम में जो है रहकर और यहाँ के ही कोर्स मटेरियल से की है। कन्वेंशनल पेपर और ऐसे की। हाँ, बाकी पूरा मेंस तो आपने मेंस पूरा हमारे साथ ही तैयार किया है। तो ये तो आपकी जो है एकेडमिक जर्नी हो गई जो है। इसके बाद अब थोड़ा सा जो है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी हमारे चैनल का जो है सबसे जो है एक मेन विषय रहता है, हम लोग इसकी तैयारी पर सबसे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। तो थोड़ा सा हम एक एक परत दर परत जो है बात करेंगे। पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स। तो समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स जब 2020 में आपने सोचा मार्च में कि आपको अब जो है नौकरी, तो क्योंकि अब उस समय तो दुर्लभ हो गई थी, कोरोना आ गया था, तो आपने नई तरीके शुरुआत की। तो पहली चीज़ तो ये बताइए, ये 10 साल का गैप मतलब काफ़ी बड़ा नहीं हो गया पढ़ाई शुरू करने के लिए? नहीं सर, थोड़ा सा दिक्कत तो रही 3-4 महीने स्टार्टिंग में, लेकिन क्या है सर, नॉवेल में पढ़ता था उस बीच में। अच्छा। इसे खाली टाइम हुआ तो पढ़ने की थोड़ी सी हैबिट थी नॉवेल की। और मतलब न्यूज़ बहुत पढ़ता था मैं, जैसे कि वर्ल्ड न्यूज़। तो थोड़ा सा मतलब पढ़ने का वैसा नहीं था कि मतलब बहुत कोई दिक्कत आई, लेकिन फिर जब घर ही पे बैठ गए। नहीं वो ठीक है, न्यूज़ अपनी जगह, तो मान लीजिए करंट अफेयर से आप अपडेट हैं, लेकिन आपने 10 साल पहले जीके जीएस पढ़ा था किसी किसी वजह से, वो भी आपने वो तब भी नहीं पढ़ा था क्योंकि आपने तो आपने बीटेक किया है। तो एकदम से जीके जीएस आपने मतलब तैयारी कैसे प्रीलिम्स की आपने जो है, ये तो बड़ी मतलब सर पहले मैं सबसे पहले सिलेबस इनका पहले छोटे एग्जाम का मैंने वो देखा था। हाँ, पहले तो आपने यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से छोटा एग्जाम मैंने कम से कम क्लियर कर लूँ, लेखपाल टाइप का। तो उसके जीएस में क्या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस टाइप में फिर मैंने मतलब ये सोचा कि एक आधे 2-3 एग्जाम के साथ में तैयारी करता हूँ। तो फिर आरओ का भी सिलेबस देखा, तो मतलब सिलेबस में मैंने 1.5 महीना काम किया कि इसमें है क्या। फिर इंटरव्यू जो लोग जैसे कुछ लोगों का निकल गया तो उनके इंटरव्यू देखे कि मतलब इन्होंने कौन सी बुक पढ़ी हैं। तो फिर थोड़ा रेफरेंस बुक 3-4 में लेकर आया, उनको एक बार मैंने ऐसे कहानी की तरह पढ़ के देखा कि ये समझ में आती है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट उसमें आने लगा। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर और पूर्वालोकन इनके थ्रू किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ना चालू किया। मतलब एक एनालिसिस आपने बनाई इससे जो है। एनालिसिस मैंने उस पर 2-3 महीने लगभग काम किया कि कैसे क्या करना है। तो जीएस में जो है अगर आप बुक्स की बात करें तो क्या आपने मतलब मेन बुक्स कैसे पढ़ी थी जो है, जैसे आपने पूर्वालोकन बताया जो है। पूर्वालोकन मैंने लगभग मुझे लगता है 7-8 बार पढ़ा होगा। बहुत बढ़िया है। हाँ जी। और बाकी मतलब 1-2 बार ही मैंने रेफरेंस बुक पढ़ी क्योंकि मोटी मोटी काफ़ी हैं, तो उसमें कुछ समझ में आया नहीं आया तो मतलब कुछ मोटे मोटे पॉइंट नोट किए, लेकिन मतलब मेन पूर्वालोकन
और प्रीवियस ईयर पेपर, और खासकर मैंने ये जो यूपी पीसीएस के पेपर थे, क्योंकि जीएस का उसका पैटर्न और समीक्षा अधिकारी का जीएस सिमिलर ही है, बिल्कुल सेम है वो। तो मतलब प्री और उसके पहले कुछ पेपर मेंस के भी होते थे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के यूपी पीसीएस के, तो वो सारे पेपर मैंने तैयार किए थे। अच्छा अच्छा, हिंदी की बात करें क्योंकि आपका जो है प्रोफाइल जो है एकेडमिक प्रोफाइल बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब भी बिल्कुल जो है अलग दिशा की, तो और समीक्षा अधिकारी की हिंदी बड़ी स्पेसिफिक हिंदी है, तो क्या हिंदी में आपका इंटरेस्ट था या हिंदी आपने जो है एकदम से तैयार की फिर नए सिरे से जो है? नहीं सर, हिंदी में क्या है, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड से मैंने हाई स्कूल इंटर किया है, और दोनों में ही मेरे हाई स्कूल इंटर में मैं डिस्टिंक्शन थी हिंदी में, तो मतलब हिंदी में मुझे मैंने पढ़ना तो पड़ा लेकिन मतलब बुक मेरे लिए कठिन नहीं थी हिंदी। तो हिंदी में सर आपकी एक बुक आती है आप, तो खैर उससे मैंने 3-4 बार उसको पढ़ा, और फिर एक पूर्वालोकन के प्रीवियस ईयर आते हैं, तो मतलब यही दो को टारगेट करके ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी क्योंकि सोर्स लिमिटेड रहेगा, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। हिंदी में मैं भी हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि हमारे संस्थान की जो ई बुक है वो पर्याप्त है, पूरे क्वेश्चन आते तो 60 में से 55 क्वेश्चन की हमेशा गारंटी उसमें रहती है। इस बार तो 59 क्वेश्चन आए थे मुझे लगता है, लेकिन मतलब 2-3 तो गलत हो ही जाएंगे, मतलब 55+, इसीलिए मैं उसमें बोलता भी हूँ हमेशा जो है कि 55+ कहीं नहीं गए हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी जो है पूरा का पूरा वहाँ से आ जाएगा, उस हिसाब से बुक को हम लोगों ने कंपोज ही किया है। तो ये प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स जब पास हुए तो आपको लगा पहले से पता था कि आपका हो जाएगा? प्रीलिम्स का हमको बिल्कुल नहीं आइडिया था, क्योंकि हमारे नंबर कम बन रहे थे, क्या आपने एक्सपेक्ट किया 115 के आसपास बन रहे थे, और उससे पहले 127-128 पे शायद हुआ था, उससे पहले हुआ था, तो मतलब ये था कि नहीं होगा 2017-16 वाले, हाँ तो मतलब लेकिन फिर तो कितने नंबर आपने गेन किए प्रीलिम्स में? सर उसका तो अभी नंबर का तो आया नहीं, अपना जो आपका मोटा मोटा मेरे मतलब आयोग के जो गलत वाले आंसर मैंने अपने गलत ही माने, अच्छा, मेरे वो गलत हो गए, तो उस हिसाब से मेरे 115 के आसपास नंबर थे, जिसमें कि हिंदी में मेरे 55 नंबर के आसपास थे, और बाकी कुल मिला के हिंदी आपके लिए गेम चेंजर रही है? हिंदी हिंदी और ऐसे मेंस के लिए ऐसे और प्री के लिए हिंदी। तो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो आपने प्रीलिम्स की बात की, हाँ यहाँ पर एक चीज और है, करंट अफेयर्स में आपका शुरू से इंटरेस्ट रहा है? हाँ, करंट अफेयर्स का हमारा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करते हैं, आपकी पर्सनल स्टडी क्या रही, क्या पढ़ा आपने? सर मैंने एक मैगजीन पढ़ी। कौन सी मैगजीन पढ़ते थे? ये प्रतियोगिता दर्पण आती थी उसके, लेकिन पूरी नहीं पढ़ी कभी, वो 20-25 पन्ने शुरुआत के आते हैं वो पढ़े, जिसमें संक्षेप में दिया संक्षेप पढ़ने वाला, क्योंकि वो ऐसे बहुत मोटी बहुत बड़ी बुक है वो, मुझे लगता है ISPCS के लिए है वो। तो और उसके अलावा न्यूज़पेपर ये सब? नहीं सर, न्यूज़पेपर में मैं एडिटोरियल पढ़ता था, लेकिन वो प्री के बाद मैंने पढ़ा, मेंस के लिए, मेंस के हिसाब से शुरू किया, बाकी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। अच्छा, तो आप चलते हैं मेंस पे, आगे बढ़ते हैं, मेंस की तैयारी क्या आपने प्री से पहले कभी की थी? सर मैंने ये आप से मैं प्री से पहले ही जुड़ा था, मुझे 2020 के आसपास ही, जब मैंने पहले मैंने मेंस का ही पढ़ा था, मतलब लेटर ऐसे वगैरह तैयार कर लिए थे एक बार। अच्छा अच्छा, तो मतलब मैंने एक बार पढ़ रखा था ये चीज़ें। तो मेरा मतलब पूछने का बस यही तात्पर्य है कि प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 2-3 महीने में नहीं हो पाता है, और क्योंकि आपको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा उतना ही सब, और आपको मेंस में बहुत इजी भी इसीलिए फील हुआ होगा कि आपने पहले से एक बार पूरा पढ़ा हुआ। जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी मैं वही सही कर पाया, मैंने वो कैबली नहीं पढ़ी थी मैं नहीं सही कर पाया, 10 में से मेरे 6 ही सही हुए, जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी थी सही से वो उस पर मैं जब मुहावरे मैंने छोड़ रखे थे, अच्छा, तो मेरे 5 में से 3 ही सही हुए। अच्छा अच्छा, और जो चीज़ें मैंने पढ़ रखी थी जैसे पत्र लेखन है और मतलब लिखने की प्रैक्टिस करी थी ऐसे तैयार किए थे, तो वो उसमें मैं अच्छा करके आया। आपका ऐसे मुझे ध्यान है, और इंटरव्यू से पहले मैंने इनके लिखे हुए ऐसे जो हमारे कोर्स में है वो मैंने रिव्यू भी किए एक बार फिर से देखे जो है, तो ये ऐसे बहुत अच्छा लिखते हैं, निश्चित रूप से इनमें एक जो है सृजनात्मक क्षमता जो है कल्पनाशीलता सृजनात्मक क्षमता बहुत ही अच्छी है ज्ञानी जी में। तो मेंस की तैयारी आपने प्रीलिम्स से पहले भी शुरू कर दी थी, और उसके लिए फिर मतलब मेंस पढ़ते समय क्या रहता था आपका जो है कि कितने घंटे पढ़ते थे, कितने घंटे क्या निबंध कितना लिखते थे, अपटित गद्यांश पे कितना समय देते थे, मुहावरे कैसे करते थे, ये सब थोड़ा सा जो है बताएं। सर ये जैसा कि सबसे पहले मैं 1 घंटा तो ये पढ़ता था, क्या बोलते हैं पत्र लेखन वगैरह, क्योंकि इसमें पूरे पूरे लगभग मुझे लगता है अंदाजा, अभी मार्कशीट तो नहीं आई है उसकी, लेकिन मुझे अंदाजा है कि इसमें बहुत अच्छे नंबर शायद मिलते हैं,
तो ये मैं एक बार उसको दो दो तीन तीन डेली एक घंटे में जितने भी रिवाइज कर सकता था वो करता था। बाकी ऐसे में मैं पोयम और कोटेशन एक घंटा डेली उसको याद करता था कि कोई सा भी आएगा मैं ये पोयम उसमें लिख के ही आऊंगा। अच्छा अच्छा और मतलब मैंने 12 ऐसे तैयार किए थे, 12 में से 3 ऐसे वो सब आप लोगों को कोर्स में दिए गए थे, वही 12 मतलब वही सब आ गए थे, उसी 12 में से 3 ऐसे उसमें से मैं करके आया था। तो मुझे उसमें सोचना नहीं पड़ा, मैं जिसे कोई चीज याद करके गया हूँ तो मैं वही लिखता गया वहाँ पे। हम लोगों ने इतना अभ्यास भी किया था बैच में, जो है रात दिन यही अभ्यास ही चलता था कि उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, सारे इससे जो फैमिलियर थे सभी के। हाँ मतलब जो भी मुझे लगता मैं एटलीस्ट मैं तो जो याद करके गया था कि मैं याद किया हुआ लिख के आया, कुछ वहाँ मैं सोच के मैंने नहीं लिखा था। नहीं अच्छी बात है, अगर याद हो जाए तो याद, नहीं तो बाकी तुरंत भी लिखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आइडिया होना चाहिए। पोएम वगैरह याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो तो नहीं लिख सकते। उसका एक इम्पैक्ट अलग पड़ता है कोटेशन लिखने का। ब्लैक से उससे लिखा। अच्छा मतलब 5-5 पोएम मुझे लगता है मैंने लगभग तीनों ऐसे में लिखा। अरे वाह, मैं 15-20 याद करके गया था, 12-15 वो मैं सब लिख डाली। तो आपको ऐसे में 120 में कम से कम 80+। हाँ उसमें मुझे लगता है कि 80+ मिलना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए मेंस में तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। सब वही मैं जो मैंने पहले पढ़ा था वही सारा जो है उसमें तो और आसान हो जाता है, एक पर्यायवाची शायद हट जाता है। अच्छा आपने बताया था अभी जो है कि सामान्य अध्ययन थोड़ा आपका जो है कमजोर पच रहा है। तो क्योंकि आपकी प्रीवियस तैयारी उसकी बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि रेफरेंस बुक मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी मुझे लग, तो वो रीज़न हो सकता है। अच्छा अच्छा और आपका मेन जो है यूएसपी कह लें तो करंट अफेयर्स हिंदी। हाँ। ये दो की वजह से जो है आपको। हाँ। अच्छा गेन मिला जो है, मतलब उसी वजह से ही सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, समझ सकते हैं आप। हाँ। क्योंकि जीएस में नंबर अच्छे नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारे साथ के और लोग भी हैं जिनके जीएस में 132-135 तक नंबर है उनके हिसाब से। हाँ। तो मेरे हिसाब से मैं 10-12 नंबर ज्यादा ही है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब उनके ऐसे या उन सब में उन्होंने कम किया है। अच्छा आप जो है फैमिली लाइफ में रहते हैं पूरी तरह से फैमिली लाइफ में, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं घर में जो है, परिवार है बड़ा। कितने घंटे आप पढ़ते थे जो है प्रीलिम्स और मेंस का थोड़ा अलग अलग बताइएगा। प्रीलिम्स में क्या सर? प्रीलिम्स 8-9 घंटे। प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने ज़्यादा पढ़ा है और मेंस के टाइम पे मैं कम पढ़ पाया क्योंकि मेरे फादर के उस समय कैंसर से डेथ हुई थी। अच्छा अच्छा, तो लास्ट टाइम पे वो मतलब ज़्यादा दिक्कत थी उनको, और इवन मतलब मेंस के 10-15 दिन पहले डेथ हो गई थी उनकी। ओह वेरी सॉरी। लेकिन ये है कि पहले तैयार किया था तो मुझे जैसे जीएस ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा, हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ी। ये मतलब एक मुझे खाली ऐसे रिवीजन करता था और ये पत्र लेखन वगैरह करता था, बाकी वो कैबलरी वगैरह पढ़ी, लेकिन वो बाद में पढ़ी इस वजह से वो इतने सब नहीं सही हुआ उसमें से। और ग्रुप में आप हमारे डेली टेस्ट देते थे क्या जो है? ये जितने टेस्ट हुए थे टेस्ट हमने दिए। अच्छा, टेस्ट अगर जहाँ से भी दे सकते हैं कहीं से भी, उससे थोड़ा सा आइडिया लगता है कितने हम सही करके। बस मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता कि टेस्ट सीरीज का क्या महत्व समझते हैं? टेस्ट सीरीज का सर बहुत महत्व है। मैं टेस्ट कई दिए हैं, इवन मैं आपके तो दिए हैं सारे, और इसके अलावा भी मैंने एक दो जगह और के टेस्ट दिए हैं। मतलब ये चेक करने के लिए नहीं कितने नंबर मेरे आ रहे हैं, इवन ये चेक करने कितने मैं तुक्के मार रहा हूँ और कितने उसमें सही मतलब सही हो रहे हैं। मैं प्री में भी 140 क्वेश्चन करके आया था और मेंस में भी 120 क्वेश्चन करके आया था, पूरे क्वेश्चन करके आया था। क्योंकि मेरे मतलब मैंने टेस्ट इतने दिए थे तो मुझे ये अंदाजा हो गया था कि मेरे माइनस नहीं होंगे, मतलब 4-5 नंबर मेरे प्लस ही होंगे। तो मतलब ये इसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम ही नंबर करके आएंगे उसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत होगा तो प्री ही नहीं निकलेगा आपका। अच्छा जो नए लोग तैयारी में आए हुए हैं, आपके भाई बहन सब आपको देख रहे हैं, इनके लिए आप क्या सलाह देते हैं कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए इनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए जो है? सबसे पहले तो सर मतलब भले एक हफ्ता लगे या दो हफ्ता लगे, सिलेबस पे थोड़ा सा क्या क्या चीज़ पढ़नी है, और फिर उसके बाद चाहे महीना भर लगे कहाँ से पढ़ना है वो अगर एक बार डिसाइड हो गया कि कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इतनी PDF आ जाएंगी, आप 50 टेलीग्राम चैनल हैं वो दोबारा कभी कोई खोल के नहीं देखता वो सब खोल, वो फ़ोन भर जाएगा, मोबाइल में कचरा बन जाता है वो, मतलब फ़ोन भर जाएगा। तो मतलब सबसे पहले सोर्स लिमिटेड होना चाहिए, भले आप कम पढ़ के जाएँ तो जब एक बार आपने सोर्स फिक्स कर दिए तो फिर चाहे कोई भी कहे कि ये नहीं इस बुक से नहीं आता है तो आप प्रीवियस ईयर में चेक कर लीजिए उस बुक से टॉपिक आते हैं कि नहीं आते हैं। कुल मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक कसौटी है जो जिसके आधार पर विश्लेषण करते हैं। प्रीवियस ईयर तो अपनी टेबल पर मतलब हमेशा रखे ही रहें, कुछ नहीं पढ़ने मन है तो प्रीवियस ईयर ही देखते रहें। अच्छा अच्छा,
तो आपने सारी घटना चक्र पूर्वालोकन पढ़ी थी? मैंने सब घटना 7 से 8 बार पढ़ी थी, वो 6 पढ़ी थी, मतलब 2 नहीं पढ़ी थी, तो मेन 6 है, ये 6 पढ़ी थी मैंने। सिप्रा जी ने भी आप ही जैसा जो जवाब दिया था यहाँ पर जब आई थी जो है, तो उन्होंने भी घटना चक्र को ज़्यादा बार पढ़ा था जो है, सारे प्रीवियस ईयर। और कहा भी जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका तैयार नहीं है तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, मतलब जानबूझ के वो एक गलती मानी जाएगी उसकी जो है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे क्या सोचते हैं आप जो है, अब तो आप एक सेटल्ड लाइफ में लखनऊ में ही आ गए? लखनऊ में ही तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं इतनी जगह वो सब घूम लिया हूँ कि मतलब मेरा ये है कि एक जगह अब स्थिरता चाहते हैं आप, स्थिरता। तो सर अब मैं लखनऊ में ही मतलब इसी को ही जॉब को ही कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है लेकिन मैं यहाँ पर जो है, आपके पिताजी की डेथ हो गई आपके एग्जाम के पहले जो है, और वो परिणाम भी आपका नहीं देख पाए, इस चीज़ का थोड़ा सा मैं वो है, मलाल जरूर होगा आपको जो है, लेकिन खैर उनको मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ, और आप जो कुछ हैं उनकी वजह से हैं निश्चित रूप से जो है। मतलब हमारी पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट, इवन हमारे छोटे भाई हैं उनकी वाइफ हैं, या मतलब हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, हमारी माता हैं, बड़े भैया हैं उनकी वाइफ, मतलब हमने कभी कोई मतलब कोई हमसे काम कहा गया तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो छोटे भाई पे या तो बड़े भाई पे, नहीं पूरी फैमिली अगर आपके साथ नहीं होती तो आप नहीं कर पाते। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, चाहे वो एक लेडी हो चाहे एक जेंट्स हो, फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। अगर नहीं तो आप इतने कामों में व्यस्त रहेंगे कि आप पढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। शादी हो जाती है आपकी तो मतलब इवन ससुराल पक्ष में भी कितनी बहुत शादियाँ होती हैं, तो फिर समझा पाना कि नहीं जाएंगे तुम चले जाओ, तो वो सब चीज़ें रहती हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, सब है, सबको मैनेज करना जो है, तो ये पढ़ाई के साथ थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है जो है। अच्छा, आप ऑनलाइन माध्यम में आपने लगभग ज़्यादातर पढ़ाई की जो है, तो ऑनलाइन माध्यम से आपको कितना जो है लगता है बेनिफिट रहा आपको जो है? सब बेनिफिट तो एक सबसे बड़ा टाइम का, क्योंकि अगर आप मान ली कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो आप 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में, और जो आदमी 1.5 घंटा जाएगा आएगा वो थक जाएगा सर, बिल्कुल, तो फिर वो थोड़ा उस थकान मिटाने के लिए 2 घंटे, तो 5 घंटे तो यही हो गए, और उसके बाद तो ये थोड़ा सा आदमी नहीं मैनेज कर पाता चीज़ें मेरे साथ, वो जो है जो जो या तो जो है जो जॉब में है या जो फैमिली में व्यस्त है उसके लिए तो और समस्या है, क्योंकि अगर 5 घंटे आपने आने जाने और उसमें ही खर्च कर दिए तो फिर बाकी टाइम निकालने में। और ऑनलाइन में मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो एक सबसे बड़ी फायदा ये है कि आपको पास रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार को कई बार प्ले कर सकते हैं, लगातार देख सकते हैं। और खैर हम लोगों ने तो एक अपनी व्यवस्था ऐसी बना रखी कि आप डायरेक्ट टीचर के संपर्क में हमेशा ग्रुप में, हम तो सर बात करते थे आप, हाँ, तो फ़ोन पे भी बात हो सकती है, व्हाट्सएप पे आप चैट कर रहे हैं, कॉपियां लिख के आती हैं छात्रों की, वो चेक करके उनको रिप्लाई किया जाता है, उनकी कमियां बताई जाती हैं। तो जब आप हमारे ग्रुप में थे तो आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती थी जो है? सब मतलब ये था कि बहुत ख़राब भी नहीं तो बहुत अच्छा भी, मतलब ये था कि 50-50 वाला चांस था कि मतलब मैंने देखा था कि आपका औसत था, हाँ, ऐसे तो ठीक लिखता था, ऐसे आप बहुत अच्छा लिखते थे, थोड़ा सा बाकी चीज़ों में जो है कमी रह जाती थी। तो अब मैं थोड़ा सा जानूंगा कि आपने इतना लंबा जो है नौकरी की, इतना जो है आपका लाइफ की बड़ी डाइवर्स जर्नी रही है, तो निराशाएँ भी बहुत आती होंगी जो है पढ़ते समय कि होगा कि नहीं होगा, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे जो है आप? सर हमारे पास तो मोटिवेशन ये था कि अगर नहीं होगा तो फिर मुझे वही नौकरी में ही कहीं जाना पड़ेगा, H2S गैस के बीच, हाँ, मतलब जैसे मैंने इससे पहले रिलायंस रिफाइनरी जामनगर में, हाँ, गुजरात में था, पिपावा रिफाइनरी, मतलब लगभग लगभग भारत की रिफाइनरीज में ज़्यादा काम किया है, तो वहाँ वही सुबह है कि 6 बजे जाओ और फिर रात के 8-9 बजे आओ। अच्छा, तो मतलब यही एक लाइफ है वहाँ की, तो मतलब ये था कि फिर मुझे उसी जॉब में जाना पड़ेगा, ऊपर से कोस्टल एरियाज में और जीना मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब कुछ जगह तो अच्छी है, अब जैसे राजस्थान की रिफाइनरी में है, दूर दूर तक 30 किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं, कच्छ में अलग, बाड़मेर तो मतलब इस टाइप का है चीज़, तो मतलब मेरे पास ये था कि जाना फिर या तो वहीं है नहीं तो कुछ दिन तैयारी कर मिला के जो है विकल्पहीनता की स्थिति हमारे पास नहीं था, विकल्पहीनता की स्थिति जब होती है तो ज्यादा विकल्प दिक्कत वाले हैं, अगर आपने सोचा कि हम 10 एग्जाम का एक साथ तैयार कर लें तो बहुत मुश्किल है, आप 2 एग्जाम कर सकते हैं, जो आप पीसीएस और समीक्षा अधिकारी का साथ में कर सकते हैं, आप कम पढ़ने में आपको लगता है
थोड़ा सा एवरेज है तो समीक्षा अधिकारी और कोई नीचे का एग्जाम आप इसमें चीज मैं और जोड़ूंगा कि जो एग्जाम एक ट्रैक पे हो, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया ना पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, दोनों का जीएस एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें वो है कि उधर सी साइड आ जाता है, इधर हिंदी बढ़ जाती है, तो ये जो है जोड़ा ठीक है तैयारी करने का। फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ये ना हो कि एसएससी का कर रहे हैं और फिर ये कर रहे हैं, फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैथ और रीजनिंग इसमें आती है लेकिन इसमें उतनी कठिन नहीं आती है, वहाँ जीके आता है या जीएस आता है तो वो दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग जैसे कर रहे हैं एसएससी की भी दे रहे हैं, बैंक भी दे रहे हैं, या तो बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो कि वो सब पेपर निकाल दें, बाकी 99% तो लोग एवरेज ही होते हैं। तो आपने कभी कहीं कोचिंग वगैरह भी की क्या फिजिकल जो है? नहीं नहीं फिजिकल कोचिंग नहीं करी मैंने। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने 2020 से जब मार्च से तैयारी शुरू की उसके बाद से ही जो है तो आपने? हाँ नहीं मार्च मैंने ये डिसाइड किया था, तैयारी मैंने अगस्त मतलब ये सब 2-3 महीने से मुझे लग गया ढूंढने में क्या करना है कहाँ से करना है, तो अगस्त। अच्छा उस समय जब आप तैयारी आप कर रहे थे तो क्या अर्निंग का स्रोत था, कैसे चला आपका जो है खर्चा वगैरह? अर्निंग का कोई स्रोत नहीं था, मैं घर वाले हैं मेरे भाई बड़े भाई हैं छोटे भाई सबके सब सहयोग से चलता हम लोग कंबाइंड फैमिली में एक ही मकान में रहते हैं। अच्छा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपका कुछ ग्रामीण परिवेश भी है क्या जो है? हाँ मेरा सर जो जहाँ मेरा होम टाउन है जहाँ मैं रहता हूँ वो गांव में ही है। अच्छा, अच्छा। और वहीं से मेरा जो पैतृक निवास है वो भी मेरा 8 किलोमीटर पे हरौनी गांव स्टेशन पर हाँ, 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 बिल्कुल वहाँ पे है। अच्छा तो क्या परिवार में कभी कृषि है ये सब भी सर? वो मैं नहीं करता हूँ लेकिन बाकी बड़े भाई वगैरह है वो देखते हैं। अच्छा अभी भी चलता अभी भी कृषि है हमारे पास। अच्छा तो अब आप सचिवालय को सुशोभित करने जा रहे हैं तो सचिवालय में आपने क्या सोचा है समीक्षा अधिकारी की कैसी जवाब होगी जो है, कुछ उसके बारे में आइडिया है आपको? सर अभी उसका कुछ आइडिया नहीं है मेरा। मेरा मेन टारगेट यही था कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाए एक जगह वाली। अच्छा तो मतलब अभी तो वही है। तो आपने तो सीधे राजपत्रित नौकरी को जो है निशाना बना दिया ना सर, वो तो सब थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद है। नहीं नहीं बहुत बहुत अच्छा, और मैं वास्तव में खुद जो है आपकी जो है जो आपका लाइफ जर्नी है उससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ सुन के भी जो है, क्योंकि 10 साल कोई पढ़ाई से दूर रह के एकदम से कमबैक करता है और कमबैक ऐसा करता है कि पहले प्रयास में समीक्षा अधिकारी जैसा एग्ज़ाम निकाल देता है, तो निश्चित रूप से जो है आपका प्रयास आपकी निष्ठा आपका जो है जो आपका एफर्ट है वो सराहनीय है इस मामले में जो है। सर ये मतलब इसमें एक चीज़ जोड़ूं मैं, ये 2.5 साल का पीरियड लगता है, 2 साल अगर मतलब एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 2 साल का, जैसे आप देखेंगे मैंने अगस्त से चालू किया तो ये मतलब आपने आप 2.5 साल इसमें तैयारी में रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब आप 4 महीने में बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे मैं तो कई वीडियो ऐसे देता था कि वो कहते थे हम 3 महीना पढ़ के हमसे निकल गया पेपर, तो मतलब फिर बाद में पता चला कि ये पहले ही इन्होंने तैयारी की, आखिरी के 3 महीने पहले इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। अच्छा डिकोड एग्जाम जब पहली बार आपने कभी वीडियो देखा होगा तो कौन सा वीडियो देखा था, कहाँ से आप प्रभावित हो गए थे जो है? सर मैं तो ऐसे सर्च होता हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। अच्छा अच्छा, तो उसमें आपका एक वीडियो पड़ा हुआ है शायद, मतलब पुराना ये अभी का नहीं, इससे पहले भी एक वीडियो था स्ट्रेटजी वाला। हाँ कि उसमें मतलब क्या पढ़ना है, कितने क्या सब्जेक्ट है, मतलब किस किस टॉपिक से क्या क्या आएगा, तो मतलब ये चीज पढ़नी चाहिए सबसे पहले आदमी को कि हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम, और 10-12 वीडियो देखे कम से कम, बहुत ज्यादा भी ना देखे नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाएगा कि कहाँ से, और शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े कि मतलब खाली बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं खाली 1-लाइनर में क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उससे नुकसान ज्यादा है फायदा कम है। नहीं कोई भी चीज पढ़िए डेप्थ में पढ़ना जरूरी। मान लीजिए यूट्यूब पे किसी ने 1000 क्वेश्चन करवा दिया, आपने पहली बार में 1000 देखे आप दोबारा देख ही नहीं पाओगे, तो जो आपको 1000 आपने देखे हैं वो भी टाइम खराब हो गया। सपोज आपने 6 घंटे का कोई वीडियो देखा, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब उसका मतलब नहीं है। रिवीजन के लिए हो सकता है कि आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो फिर आखिरी दिन 6 घंटे देख। रिवीजन की बात आ गई, रिवीजन मैंने लिखा भी हुआ है अपने उसमें सवालों में, आप कितना पढ़ते थे कितना रिवीजन करते थे उसका क्या एक जो है औसत आपने बना रखा था, कुछ इस तरह का बनाया था जो है? सर ऐसे तो नहीं बनाया था मैंने, जैसे कि अभी मैंने घटनाचक्र हिस्ट्री की पढ़ी तो पहली बार मुझे था 17-18 दिन में मुझे हुई, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ा, मतलब दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ा, फिर मैंने एक दूसरा सब्जेक्ट उठाया, फिर जैसे वो खत्म हुआ फिर मैंने उसको हिस्ट्री फिर पढ़ाई। अच्छा अच्छा, मतलब मैं जैसे एक नया पढ़ा तो पिछले को पढ़ता रहा, मतलब
पिछले को ज्यादा दिन हाँ, समय नहीं दिया भूलने के लिए उसको हाँ, फिर से रिवीजन मिल जाए। मुझे तो लगता है कि जैसे मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। पहले उसको एक बार अगर हो सकता है और दोबारा जिस दो तीन बार पढ़ लेंगे ना घटना चक्र, तो आप क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको आंसर समझ में याद हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यही फायदा होता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चंस बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। दो तीन शब्द आपने देखे तो आपको याद हो जाएगा, उतने से ही याद आ जाता है कि क्या आंसर है इसका जो है। उस चक्कर में गलत भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन मतलब टाइम कम लगता है। पढ़ाई की आपकी कोई ऐसी हैबिट जो है जो आपको लगता है आपके हिसाब से अनकॉमन है और लोग ऐसा नहीं करते रहे होंगे, अगर कुछ ऐसा याद आ रहा हो तो शेयर करिए जो है। नहीं, अनकॉमन तो सर मतलब ऐसा कुछ नहीं है। या कोई बहुत स्पेशल जो है जिसको आप सोचते थे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ जो है इससे मुझे बहुत लाभ मिलेगा जो है पढ़ते समय? नहीं सर, इसमें एक चीज़ है, जैसे मैंने सोचा कि मैं पीछे समीक्षा अधिकारी के दे रहा हूँ तो मेरा मेन कंपटीशन होगा पीसीएस वालों से। पीसीएस वाले अभी प्री देंगे, उसके बाद मेंस में उनको मेंस की तैयारी करनी है। वो मेंस के बाद शायद एक महीने का कुछ 20 दिन का गैप था। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा कि ये मेंस का पढ़ेंगे और फिर जीएससी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो मतलब मैं उनसे के हिसाब से अपना चलता था कि मतलब वो कम पढ़ पाएंगे वो चीज़ें, तो मैं इधर वो करके थोड़ा ज़्यादा इनसे मतलब उनको कंपटीशन में बीट कर सकता हूँ। हाँ, तो ये भी एक नई सोच थी आपकी जो है, और सही सोच थी जो है इस तरह से, क्योंकि उनका टाइम मेंस पढ़ने में निकल जाएगा और उस टाइम को मैं अपना जीएस या हिंदी, खासकर मेरा हिंदी में कि हिंदी में ज़्यादा आसानी से नंबर ला जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा सही होता तो मतलब मुझे लगता 60 के 60 भी ला सकता आदमी, बिल्कुल आराम से ला सकता। हमारे बहुत से स्टूडेंट लाए हुए हैं 60 में 60 जो है, क्योंकि जो मेरे गलत हुए वो शायद ही किसी के गलत हो, मेरे ऐसे क्वेश्चन आसान गलत हुए हैं। आप लोग का जब प्री हुआ था तो उसमें 59 क्वेश्चन जो है डिकोड एग्जाम की बुक से आया था। हाँ, नहीं मैंने बहुत बता रहा हूँ कि मैंने तो और मैंने ज़्यादा सोर्स नहीं पढ़ा तो मुझे पता है कि कहाँ से किस बुक से आया है। बाकी अगर जैसे आपने कोई बुक देखी है, हरदेव बहारी, पीएन पांडे, ये सब पढ़ी है? मैंने पीएन पांडे तो नहीं पढ़ी है, हरदेव बहारी में लेके आया था एक दो बार, मैंने उसको देखा, मैंने पढ़ा एक दो बार, लेकिन जरूरत नहीं महसूस हुई होगी क्योंकि उसमें आपकी बुक में क्या मुझे था 3-4 बुक से साथ दिया, 3-4 नहीं कम से कम 10 बुक का निचोड़ है उसमें। जैसे इसमें 6 पन्ने दिए तो आपके वो 20-22 पन्ने दिए हुए हैं तो मतलब वो ज्यादा ही है। एक्चुअल में समस्या ये है हिंदी की बुक्स में जो मार्केट में है सामान्य हिंदी नाम से, कि उनमें उन्होंने किसी ने भी समीक्षा अधिकारी को टारगेट करके बुक नहीं लिखी है कि उन्होंने तत्सम तद्भव को बहुत विस्तृत किया हो, या उन्होंने 50 शब्द दे दिए, 100 शब्द दे दिए। जरूरत यहाँ पे है कि तत्सम तद्भव कम से कम 500 शब्द पढ़े बच्चा जो है, जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा है। तो इस ढर्रे पे कोई बुक नहीं लिखी गई है, बाकी बहुत विद्वान लोगों ने बुक लिखी है। नहीं सर, एक चीज़ और है इसमें क्या मार्केट में 2-3, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 2-3 बुक ऐसी भी हैं जिसमें गलतियाँ बहुत हैं और वो इतनी फेमस हैं कि मतलब मैं भी वो खरीद लाया था बुक। नहीं, मैं भी नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो है मैं समझ गया आपकी इसको किसको कह रहे हैं। उसमें बहुत है, मैंने जैसे पढ़ा मैंने तो मैं जान गया, लेकिन नॉर्मल आदमी पकड़ नहीं पाएगा वो गलतियाँ अगर उसी से पढ़ेगा तो। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कई लोगों ने कहा कि सर मैंने ये वाली बुक ले ली है, तो मैंने कहा कि अगर ये बुक तभी पढ़ना जब आप जागरूकता से पढ़ सको, पता होगी उसमें गलती क्या है, नहीं तो उससे पहले अगर आपने कोई अच्छी बुक नहीं पढ़ी है दूसरी तो आप गलती निकाल ही नहीं पाएंगे उसमें, फिर वो गलत। बहुत गलतियाँ सर, और सबसे प्रचलित बुक है मार्केट की वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो है, तो शॉर्टकट के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना पड़े मतलब। तो अब मैं जो है मतलब इस इंटरव्यू को समाप्ति की ओर बढ़ता हूँ। फाइनल रिमार्क्स जो है कि आप थोड़ा सा सामने मुखातिब होकर जो है बताएं जो है कि आप कुछ ऐसा बता दें लोग कि प्रेरित हो सकें जो है कि वो तैयारी में आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो बैचमेट्स भी देख रहे हैं और नए स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं इंटरव्यू को, कि तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। मतलब आपने सब बुक वुक वाली स्टडी ये सब तो बता दी जो है, मन में कैसे जो है अपने आप को बना के रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो होती है इनर स्ट्रेंथ को कैसे बना के रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए जो है। सर इसमें यही है कि पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा, जैसे मेरे साथ क्या है कि मतलब मुझे तो एक जगह की नौकरी मुझे लेनी थी तो कुछ टारगेट होना चाहिए, जैसे कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप SSC का भी दे रहे हो, आप UPSC का भी दे रहे हो तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मतलब एक टारगेट हो कि हमको यही एग्ज़ाम देने हैं, एक या दो तीन एग्ज़ाम आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद सर उसके लिए मतलब क्या एग्ज़ाम किस टाइप का मतलब वो एग्ज़ाम होता है
और उसके बारे में कितने ना कितने नंबर पिछली कट ऑफ कितनी जा रही है वो सब भी देखना पड़ेगा, तभी आप मतलब आपकी पोजीशन क्या है तो वो आप उससे कर सकते हैं। चलिए, आपका जो है सुझाव बहुत सही भी है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पढ़ाई नहीं की जाती है, एक दिशा में चलने वाले दो तीन एग्ज़ाम तो एक साथ तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं लेखपाल से लेके और आईएएस तक की सारी तैयारी एक साथ जो है करूँगा, तो ये एक दुस्साहस भी है और ऐसा जो है होना भी नहीं चाहिए। एक दिशीय तैयारी जो है सबसे अच्छी है, और सबसे अच्छी स्ट्रेटजी अगर कुछ होती है तो विकल्प रहित संकल्प, विकल्प नहीं होना चाहिए। आपके पास जब विकल्प हैं तो उस समय निश्चित रूप से जो है आपका जो आपकी पढ़ाई के लिए जो निष्ठा है, जो कंसिस्टेंसी है, वो प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो चलो ये तो हम है ही है, मेरे पास ये नौकरी है या मेरा ये बिजनेस है, मैं कर लूँगा, जब ये स्थिति होगी कि आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा तभी निकलेगा। और उसके तो ज्ञानेश जी जो उसके सबसे बेस्ट उदाहरण आपके सामने बैठे हैं, इनको पता था कि अब मुझे उस तरह की नौकरी में नहीं जाना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं स्थायी रूप से जो है जीवन भर के लिए जो है कहीं पर सेटल हो जाऊँ। तो ज्ञानेश जी जो है आप आए यहाँ पर जो है इतनी दूर से समय निकाल के हमारे साथ जो है, आपने सभी लोगों को प्रेरित किया, अपनी कहानी भी सुनाई जो है, और निश्चित रूप से जो है बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जिनको हम फैमिली मैन कह सकते हैं, फैमिली में रहते हुए वो तैयारी कर रहे होंगे, बच्चे भी होंगे, परिवार भी होगा, सोचते होंगे कैसे समय निकालें, कैसे पढ़ाई करें, तो उनको भी कुछ ना कुछ इससे सीखने को मोटिवेशन मिला होगा। तो आप सभी ने जो इस इंटरव्यू को देखा बहुत, और कोई भी और कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ज्ञानेश जी उसका रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे जो है, मैंने इनसे पहले ही वादा ले लिया इस बात का जो है। तो आप जो है जितनी बातें हुई उसके अलावा अगर कुछ और स्पेशल इनसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, ये आपको जो है रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ज्ञानेश जी मैं उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और यहाँ पर आते रहिएगा हम लोगों से मिलने जो है। ठीक है, तो इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।